भारत चीन सीमा विवाद में अमेरिका की मध्यस्थता पर चीन ने दी प्रतिक्रिया। चीन ने सरकारी मीडिया ने दिया जवाब, सीमा पर जारी टकराव के लिए नहीं है अभी अमेरिका की जरूरत। चीन की हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लाने की कोशिश, चीन के खिलाफ लामबंद हुए चार बड़े देश, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने जारी किया संयुक्त बयान, तो वहीं ब्रिटेन ने भी दी धमकी। फिर खुला वुहान का जिंदा जंगली जीवों का बाजार, यहीं से फैला था कोरोना वायरस। जिस बाजार से कोरोना वायरस फैलने की कही जाती है बात, उसका नाम है तैहुआनान सी फूड होलसेल मार्केट। ईरान में लगातार बढ़ रहे ऑनर किलिंग के मामले, 14 साल की रोमिना अशरफी की हुई हत्या, प्रेम संबंध से नाराज पिता ने गर्दन काटकर की हत्या। तो वही ऑनर किलिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। घटना के बाद से ईरान के लोगों में खासी नाराजगी, सोते समय दिया था आरोपी ने वारदात को अंजाम। पाकिस्तान के कराची में दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे से मिले 3 करोड़ रुपए, हवाई अड्डे की सुरक्षा और सामान जांच तंत्र पर उठे सवाल, दुर्घटना में 9 बच्चों समेत 97 लोगों की हुई थी मौत। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना से 59 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, तो वहीं 3,62,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, तो 25 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,000 के पार, तो अब तक 4,706 लोगों ने गंवाई जान, तो वहीं 71,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया मंथन। अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करने के बाद पीएम मोदी को दिया फीडबैक, 31 मई को समाप्त हो रहा है लॉकडाउन का 4वां चरण। चीन से तनाव पर बोले राहुल गांधी, कहा मोदी सरकार की चुप्पी अटकलों को दे रही है हवा, केंद्र सरकार देश की जनता को बताए सच। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल महीने में 8 प्रमुख उद्योगों वाले कोर सेक्टर को झटका, उत्पादन में 38.1% की आई गिरावट, मार्च 2020 में 8 कोर सेक्टर के उत्पादन में 9% की आई थी गिरावट। लॉकडाउन के बीच में भारतीय रिजर्व बैंक की 3 बैंकों पर कार्रवाई, 6.5 करोड़ का लगा बैंकों पर जुर्माना, बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक ऑफ सारस्वत, कोऑपरेटिव बैंक पर लगा जुर्माना, केंद्रीय बैंक के निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का आरोप। बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना, कर्नाटक बैंक पर लगा 1.2 करोड़ रुपए का जुर्माना, तो वहीं सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक पर भी लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन, कार्डियक अरेस्ट के बाद से ही थी हालत गंभीर, रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में ली जोगी ने अंतिम सांस, पिछले 21 दिनों से चल रहा था इलाज। नौकरशाह से राजनीति में एंट्री कर बने थे जोगी सीएम, बिलासपुर के पेंड्रा में 29 अप्रैल 1946 को हुआ जन्म, कलेक्टर से सूबे के पहले आदिवासी सीएम बने थे जोगी, 2016 में किया था छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का गठन। पुलवामा में बारूद से लदी हुई कार वाले मामले में सुरक्षा एजेंसी को मिली बड़ी सफलता, कार मालिक की हुई पहचान, शोपिया निवासी यादतुल्लाह नाम के शख्स की है कार, 2019 से हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी है हिदायतुल्लाह। रावड़ी आवास के बाहर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, गोपालगंज जाने के लिए निकले तेजस्वी यादव, पुलिस ने कार को घेरा, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में जा रहे थे गोपालगंज, रावड़ी आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ाने के पक्ष में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गृहमंत्री अमित शाह से की 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की मांग, तो वहीं रेस्टोरेंट्स और जिम खोलने की भी मांगी अनुमति। सीबीआई ने की मरकज पर शिकंजा कसने की तैयारी, क्राइम ब्रांच ने सीबीआई को सौंपी जानकारी, तो वहीं दिल्ली पुलिस 35 देशों के 910 विदेशियों के खिलाफ पहले ही कर चुकी है आरोप पत्र दाखिल। दिल्ली यूपी पर मंडराया टिड्डियों के हमले का खतरा, दिल्ली सरकार ने किसानों को किया अलर्ट, तो वहीं टिड्डियों ने कई राज्यों में किया फसलों को बर्बाद। देश के कई हिस्सों में आज आंधी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, 31 मई तक भारत के इलाकों में भारी बारिश की संभावना, तो वहीं 1 जून को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून। दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्कर पाब्लो एस्कोबार के भाई का आईफोन हैक, मिलने लगी जान से मारने की धमकी, एप्पल पर किया अरबों का केस। पैरासिटामोल दवाई पर लगा निर्यात बैन वापस, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने दी जानकारी, देश में इस दवा की कमी ना हो इसलिए निर्यात पर लगा था बैन। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड बनवाने वाले नियम को किया आसान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की सेवा की शुरुआत, आयकर विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं अप्लाई, अब सिर्फ 1 क्लिक में मिलेगा पैन नंबर। बेटे की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पति ने नहीं दिला स्मार्टफोन, तो महिला ने खुद को किया आग के हवाले, महिला की हुई मौत, साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके की घटना।
मजदूरों के पलायन पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा मजदूरों को जीने के लिए चाहिए न्याय, यही है सरकार की नीयत की असली परीक्षा। इस्कॉन ने विवादास्पद वीडियो के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। स्टैंड अप कॉमेडियन सुडील कौल, ग्रोवर और एंटरटेनमेंट कंपनी शिमानू के खिलाफ शिकायत दर्ज। महिला कॉमेडियन पर इस्कॉन ऋषि मुनियों और हिंदू धर्म का अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो, बेहद रिलैक्स मूड में नजर आए अनुपम खेर, कहा काश ऐसी हवा चले, कौन किसका है पता चले। प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने अभिनेता सोनू सूद, गर्भवती महिला को पहुंचाए मुंबई से दरभंगा। महिला ने बच्चे का नाम रखा सोनू सूद, तो वहीं अभिनेता सूद ने बताया इसे सबसे बड़ा अवार्ड। लॉकडाउन में शूटिंग को मिस कर रहे हैं वरुण धवन, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो, थ्रोबैक फोटो के जरिए बताया अपने मन का हाल। अभिनेत्री करीना कपूर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टाइम मैगजीन का कवर पेश किया शेयर, मृत अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लाइट के लिए न्याय की मांग, फोटो में अमेरिका 1968-2015 के अलावा क्या बदल गया और क्या नहीं बदला लिखा आ रहा है नजर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के पिता का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, पिता के साथ दो सुरक्षा गार्ड सहित 7 लोग संक्रमित, नरेंद्र ने खुद को किया 17 दिन के लिए क्वारंटीन। 17 जून को होगी इंग्लिश प्रीमियर लीग की शुरुआत, पहले दिन खेले जाएंगे 2 मैचेस, एस्टन विला और शेफील्ड यूनाइटेड के बीच में होगी पहली टक्कर, तो वहीं मैनचेस्टर सिटी से होगा अर्नेसल का पहला मुकाबला। रूपर्ट में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकता है पेटीएम मॉल, दोनों कंपनीज के विलय की है संभावना। सॉफ्टबैंक के नेतृत्व में चल रही है बातचीत, जापान का निवेश समूह सॉफ्टबैंक है बड़ा निवेशक। फेसबुक के मुकाबले की तैयारियों में जुटा गूगल, जल्द खरीदी जा सकती है वोडाफोन आइडिया की 5% हिस्सेदारी। वित्तीय संकट से गुजर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया पर कुल 53,000 करोड़ रुपए एशिया बकाया। हरियाणा के जमालपुर में बैंक के बाहर पूर्व एमएलए के भाई और पुलिसकर्मी में झड़प, स्थानीय लोगों ने किया बीच बचाव, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को लेकर दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर सील, हरियाणा सरकार ने सील के आदेश किए जारी, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। यूपी के सहारनपुर में मासूम की मौत से घर में कोहराम, आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका स्थल का लिया जायजा। यूपी के एटा पुलिस ने अवैध रूप से चल रही शस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, शस्त्र बनाने वाले उपकरण की बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में स्वास्थ्य राज्य मंत्री के सामने खुली दीनदयाल अस्पताल की भूल, मंत्री के सामने ही मरीज को किया रेफर, तो मां के इलाज के लिए मंत्री से लगाई युवती ने गुहार। इस मामले में मंत्री ने गाड़ी से उतरकर घायल को रेफर करने से रोका, स्ट्रेचर को धक्का लगाकर इलाज के लिए इमरजेंसी में पहुंचाया, हॉस्पिटल स्टाफ को भी लगाई लापरवाही पर लताड़। यूपी के मेरठ में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 3 घंटों में किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार, दौराला थाना क्षेत्र के बहादुरगढ़ के हैं दोनों निवासी। अलवर के बानसूर में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, ग्राम पंचायत रसनाली में अवैध खनन करते हुए जेसीबी को किया जब्त, जेसीबी का ड्राइवर मौके से फरार, खनन माफिया के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम के 1956 की धारा 91 के तहत कार्रवाई के निर्देश। नागौर के पादुगला में मारवाड़ी फिल्म के निर्माता निर्देशक एस अमनताज का किया स्वागत, तो वहीं अमनताज ने लोगों से की कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन की पालना की अपील। झुंझुनू के एएन कार्यालय में गिरा पंखा, हादसे में बाल बाल बचे कर्मचारी, अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं किया गया था समाधान। झुंझुनू जिला कलेक्टर को भामा शाह ने सौंपा 1,21,000 रुपए का चेक, कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भेंट की गई राशि, मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई जाएगी राशि। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में गहरा पेयजल संकट, पानी की किल्लत को लेकर भाजपा ने निकाला मोर्चा, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, बिजली के बिल माफ करने और पानी के टैंकर से पेयजल सप्लाई की मांग। एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग, नागौर के देगाना में विश्नोई समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा ईमानदार जाबाज अधिकारी की चढ़ाई गई बलि। अजमेर के नसीराबाद में सेना के आला अधिकारी और जवान बांट रहे हैं कोरोना सुरक्षा किट, ग्रामीणों के साथ गरीबों का रखा जा रहा है ख्याल, स्थानीय लोगों ने जताया सेना के अधिकारियों का आभार। भरतपुर एसपी का गनमैन निकला कोरोना पॉजिटिव, आईपीएस हैदर अली जैदी खुद को उन्होंने किया क्वारंटीन, करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के संपर्क में आया गनमैन जिनेंद्र। हनुमानगढ़ के भादरा में कोरोना पॉजिटिव युवक की ट्रैवल हिस्ट्री में घटसाना की मगर सिंह कॉलोनी, प्रशासन ने कॉलोनी को किया सील, कॉलोनी के लोगों को किया होम क्वारंटीन, सरपंच ने किया लोगों से घरों में रहने का निवेदन।
चौकी देवली में विधायक के प्रयास लाए रंग। क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 एएनएम नियुक्ति के आदेश जारी। एएनएम की कमी के कारण मरीजों को करना पड़ रहा था परेशानियों का सामना। आमजन को भगवान की दीदार का इंतजार। जनता कर्फ्यू के बाद से बंद है मंदिर। 31 मई को समाप्त हो रहा है लॉकडाउन 4। ऐसे में अजमेर के पुजारियों ने जताई लॉकडाउन 5 में मंदिर खुलने की उम्मीद। कोरोना संकट में बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर। 2018 कनिष्ठ सहायक भर्ती में सहकारिता विभाग को आवंटित 132 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच 1 जून से होगी शुरू। सहकार भवन में की जाएगी दस्तावेजों की जांच। करौली के इंदिरा कॉलोनी में युवक ने की आत्महत्या। कुएं में कूद कर दी युवक ने जान। पुलिस ने आपदा प्रबंधन टीम की मदद से युवक के शव को निकाला बाहर। भरतपुर के बयाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। परिवार की जांच करने पहुंची थी पुलिस। डॉक्टर के साथ बदसुलीकी के मामले में पकड़ा तूल। नागौर में मकराना में डॉक्टर्स ने किया कार्य बहिष्कार। सांकेतिक हड़ताल के जरिए की मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग। नागौर के रियाबंजी में अवैध बजरी खनन रुकवाने को लेकर ग्रामीण लामबंद। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बजरी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने और क्षेत्र की संपूर्ण गोचर भूमि का सीमांकन करने की मांग। धौलपुर में कोविड 19 का बढ़ता जा रहा है कहर। बाड़ी उपखंड के राजकीय चिकित्सालय में तैनात महिला लैब टेक्नीशियन भी कोरोना की चपेट में। चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। महिला के परिजनों के सैंपल लेकर क्वारंटीन के निर्देश। अजमेर के सरवार में बीजेपी के पूर्व चेयरमैन उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सब्जी विक्रेताओं के लिए छाया सहित अन्य व्यवस्थाओं की मांग। तेज गर्मी के कारण विक्रेताओं को होना पड़ रहा है परेशान। नागौर के मकराना में पशु पक्षियों की सेवा में जुटा युवा हिंदू गौ रक्षा समिति। समिति ने गौ सेवकों ने प्रशंसा पत्र देकर उन्हें किया सम्मानित। लॉकडाउन के चलते पशु पक्षियों को आ रही थी भूखे मरने की नौबत। झालावाड़ के अकलेरा में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद। आयुर्वेदिक विभाग की ओर से पिलाया जा रहा है काढ़ा। पहले क्वारंटीन सेंटर्स पर किया जा रहा था वितरण, अब कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पिलाया जा रहा है काढ़ा। बूंदी में वाइल्ड फ्रंटियर फाउंडेशन ने जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को सौंपी रक्षात्मक सामग्री। संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सा कर्मियों ने N95 मास्क, पीपीई किट, थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर का किया वितरण, तो डॉक्टर्स ने जताया आभार। जयपुर के सांभर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। मुख्य मार्गों पर कर रही है पुलिस गश्त। ग्रामीणों को लॉकडाउन की पालना का दे रही है संदेश। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।